हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, कल महाशिवरात्रि है। शिव भगवान की पूजा अर्चना में कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जिसे महादेव पर अर्पित करना निषेध, और कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जिन्हें अर्पित करते हैं तो उसके अनंत फलों की प्राप्ति होती है और महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो जानिए कि कौन कौन से वस्तुओं का निषेध है और किन किन वस्तुओं को चढ़ाने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो सर्वप्रथम जानिए निषेधात्मक वस्तुएं। महादेव पर या शिवलिंग की आप पूजा कर रहे हैं तो हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और नारियल के जल को शिवलिंग पर कदापि अर्पित नहीं करें। ये निषेध है, शास्त्रोक्त निषेध है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से वस्तुएं हैं जो महादेव को अत्यंत प्रिय है। तो जानिए, बिल्व पत्र महादेव को अत्यंत प्रिय है। तुलसी दल का भी निषेध है, जबकि तुलसी के मंजरी को महादेव पर आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं धतूरे के फल और धतूरे के पुष्प अगर आप महादेव को अर्पित करते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावे अगर वर्तमान में आप शनि संबंधित ग्रहों से पीड़ित हैं, चाहे उनकी महादशा अंतरदशा चल रही हो, साढ़े साती या ढैया चल रही हो, तो इससे आप अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, शनि देव को अत्यंत प्रसन्न कर सकते हैं। वो चीजें क्या है ये जानिए। आप इसी शिवरात्रि में पूर्ण भाव से शमी के दल और शमी के पुष्प को अगर अर्पित करते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और महादेव के प्रसन्न होने से शनि देव की कृपा आप पे बरसने लगेगी। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। जानिए शास्त्र में क्या है। शास्त्रों ने कुछ फूलों को चढ़ाने से मिलने वाले फल का तारतम्य बतलाया है। इसमें किन चीजों को चढ़ाने से कितने गुणों की फल की प्राप्ति होती है, तो इसमें सबसे अधिक जो महत्व है वो है शमी फूल का, क्योंकि इसमें बतलाया गया है कि आप स्वर्ण का दान करते हैं, उस दान का फल आप आंख के एक पुष्प को चढ़ाते हैं उसका होता है, हजार आंख के फूलों की अपेक्षा आप अगर शिवलिंग पे महादेव को अगर कनेर का फूल अर्पित करते हैं तो उसका फल मिलता है, और हजार फूलों के चढ़ाने की अपेक्षा आप मात्र एक बिलपत्र को आप अर्पित करते हैं तो उसका फल मिलता है, हजार कनेर फूलों के चढ़ाने का फल मात्र एक बिलपत्र से, और हजार बिलपत्रों की अपेक्षा एक गुमा फूल आप महादेव को अर्पित करते हैं तो उसका विशेष फल होता है। गुमा फूल, इसको द्रोण पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह हजार गुमा फूल से बढ़कर अपमार्गा का नाम सुने होंगे, जिसको चिड़चिड़ा कहा गया है, उस चिड़चिड़े के एक पुष्प को आप शिवलिंग पे या महादेव को अर्पित करते हैं तो हजार गुना गुमा फल चढ़ाने का फल मिलता है। इसके अलावे अब यहां पे बताया गया है कि शमी के पत्तों से, शमी के पत्त वृक्ष आते हैं, शमी के पत्ते को आप चढ़ाते हैं उसका फल बहुत अधिक है। अब शमी के पत्तों से बढ़कर आप अगर शमी के पुष्प को अर्पित करते हैं तो ये अत्यंत गुना फल देने वाले होते हैं, और खास करके शनि भी अत्यंत प्रसन्न होकर आपके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव को हटाकर प्रसन्न होकर शुभता देते हैं। शनि ग्रहों के दोष से आपको शांति मिलती है, शनि देव
दशा अंतरदशा में अगर शुभ स्थिति में ना हो तो इस शिवरात्रि में आप शमी के पुष्प को अर्पित करें। शमी देव अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको कर्ज की समस्या है, या आप रोग ग्रस्त हैं, या आपके गृह में कलह का माहौल है, संबंध कुटुंब से संबंध बिगड़ रहे हैं, आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही है, चाहे आप ऑफिस में कार्य कर रहे हों या सरकारी विभाग में कार्य कर रहे हों, तो इस शिवरात्रि में आप शमी पुष्प को अवश्य महादेव पर अर्पित करें। और अर्पित करते वक्त आप अपनी मन में इस तरह भावनाएं उत्पन्न करें और मन में आपके जीवन में चल रही अभी जो भी मुसीबतें हैं उसकी कामना कर आप उस शमी के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करें। निश्चित तौर पे ही आपको आपके जीवन में जो भी विघ्न है, जो भी अशुभ चीजें हो रही हैं या जिनसे परेशान है, निश्चित तौर पे आपको राहत मिलेगी। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभु, महादेव आप सबों का कल्याण करें। और अंत में अगर आप रुद्राक्ष को धारण किए हुए हैं तो आप उस रुद्राक्ष को शिवरात्रि में रुद्राक्ष का भी पूजन कर लें, इससे रुद्राक्ष की जो ऊर्जाएं हैं उसमें वृद्धि होगी और यथाशीघ्र वो काम करना शुरू कर देंगे। हर हर।